मामले पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बयान पर अब जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती ने समर्थन जताते हुए जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को लेकर भाजपा को निशाने पर लिया है। एक साथ रिकनसाइल करें, अपने एक दूसरे के साथ सलाह सफाई करें, न सिर्फ कश्मीर मसले का हल निकल सकता है बल्कि दोनों मुल्कों के लिए, बिलखसूस पाकिस्तान के लिए एक अच्छी हवा बन सकती है और पाकिस्तान की अपनी मुल्क की प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत अच्छा होगा। पुलवामा में अटैक हुआ बॉम्बिंग में, देखिए ये तो अफसोस की बात है कि अगर हम बोलेंगे पड़ोसी जो है वो हमारे यहाँ दाखिल होके हमारे यूथ को इंडॉक्ट्रिन कर रहा है, उनको तैयार कर रहा है किसी चीज़, कहीं ना कहीं हो सकता है हमारी कोई कमजोरी रही हो, मेरी कमजोरी रही हो, सरकारों की कमजोरी रही हो, पॉलिटिकल लीडरशिप की कमजोरी रही हो जम्मू कश्मीर में, मुल्क के अंदर के हम अपने बच्चों को अपना नहीं पा रहे हैं कि वो बाहर के लोगों की बातों में आके इस किस्म के जो है हादसे अंजाम दे रहे हैं, कि हमारे लिए फिक्र की बात करने की बात है, सोचने की बात है। मैम जिस तरह से सेना ने कहा है कि अच्छी बात है, अगर जो मैं समझती हूँ कि जो लड़के बंदूक उठाते हैं, खासकर जो कश्मीरी लड़के बंदूक उठाते हैं, मैंने पहले भी जब मैं चीफ मिनिस्टर थी तो मैंने ये ऑर्डर्स दिए थे कि जब भी किसी एनकाउंटर में ऐसा होता है तो आप इनको पूरा चांस दे दो कि वो बंदूक उस वक्त छोड़ के मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाए, और ताकि गोली तब तक मत चलाइए, एनकाउंटर तब तक मत कीजिए, और इसीलिए मैंने एक महीने का सीज फायर भी करवाया था कि इन लोगों को मौका मिले। ये अच्छी बात है कि अगर हमारे लड़के जिनके हाथ में पेन होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, बंदूक छोड़ के लैपटॉप उठाया हाथ में, और अगर हम इस मसले का हल जो है बंदूक के बजाय बातचीत से कर सकें, मेरे ख्याल में अच्छी बात है। मैम आपको लगता है कि ये वक्त है बातचीत का, क्योंकि 42 हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, उसके बाद पुलवामा में एनकाउंटर हुआ। मेरे ख्याल में यही तो है, अगर हम लोगों को बचाना चाहते हैं, आज 40 से ज्यादा नौजवान हमारे जो है शहीद हुए, इससे पहले भी हुए, बातचीत तो हम नहीं कर रहे थे, तो उसके बावजूद ये मसला हल नहीं हो सका। मैं समझती हूँ जंग के बाद भी बातचीत होती है, शिमला एग्रीमेंट भी 71 की जंग के बाद हो गया, तो मेरा ये है कि दुनिया में डायलॉग के सिवा ये जो इस किस्म की जो मिलिटेंसी है, इंसर्जेंसी है, या इवन जंग होती है, आगरा सम ये जो करगिल का जंग हुआ उसके बाद भी आपने बातचीत की, उसके बाद भी आगरा समिट हुआ, तो मेरा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर को अगर बचाना है, जम्मू कश्मीर के लोगों को इस मुसीबत से निकालना है, हमारे मुल्क के जवानों को अगर बचाना है तो बातचीत ही एक रास्ता है। इमरान खान ने कल ये भी कहा कि अगर नहीं, ये तो खैर मेरा ये मानना है कि जंग तो दो में से कोई मुल्क इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि आजकल के जमाने में ये जो 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 जंग की बात है ये अनपढ़ और गवार लोग कर सकते हैं, और दोनों मुल्क जो हैं न्यूक्लियर पावर्स हैं, और दोनों मुल्कों के पास जब डायलॉग का रास्ता है बात मसले को हल करने का, तो मैं समझती हूँ जंग का सवाल ही पैदा नहीं होता, और जब जंग ही नहीं होगी तो रिटेलिएशन किस तरह होगा। ये सारी जो है ये आपस में ये दिखाने की बातें हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, मैं समझती हूँ कि कोई भी समझदार मुल्क जो है वो जंग में अपनी कौम को नहीं झोंकेगा। इस वक्त मैम आपने कहा था एक मौका जरूर देना चाहिए नए प्रधानमंत्री, बिल्कुल देना चाहिए, मैंने पहले भी कहा कि ये सही है कि पठानकोट में मामले जो हमने सबूत दिए या बॉम्बे अटैक्स में जो सबूत दिए उस पर कार्रवाई नहीं हुई जैसा कि हम चाहते थे, मगर मैं समझती हूँ कि इमरान खान चूंकि नए वजीर आजम है वहाँ और वो कहते हैं कि वो कुछ नया करना चाहते हैं, तो जैसे करतारपुर कॉरिडोर उन्होंने खोल दिया जो आज 70 साल से पहले नहीं खुल रहा था, तो मुझे लगता है कि कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज जंग किसी मसले का हल नहीं है, और अगर हमें आज कल जब भी हो इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले, जंग के बाद, जंग से पहले हमने तो बातचीत ही करनी है, तो उनको क्यों ना मौका दिया जाए। रियासत के गवर्नर सत्यपाल मलिक बार बार आपको टारगेट करते रहे, क्या कहेंगे? देखिए हमारे ऊपर ये इल्जाम लगता है कि हम पाकिस्तान के साथ डायलॉग की बात करते हैं, हम हुरियत के साथ डायलॉग की बात करते हैं, अगर आप लोगों को याद होगा जो हमारी अलायंस बीजेपी के साथ बनी उसकी बेसिस ही यही थी, नहीं तो हम कांग्रेस के साथ भी सरकार बना सकते थे, मगर चूंकि हमने सोचा कि मोदी जी की सरकार है दिल्ली में, बहुत बड़ा मैंडेट मिला है उनको, वो वाजपेयी जी की पॉलिसी को अपना के पाकिस्तान के साथ डायलॉग करेंगे, जम्मू कश्मीर में सेपरेटिस्ट के साथ डायलॉग करेंगे जैसे वाजपेयी जी ने किया था, जिस तरह रास्ते खोलने की बात हुई थी और नए रास्ते खोलेंगे, तो हमारा जो एजेंडा ऑफ अलायंस वो तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, तो आजकल बीजेपी वालों को क्यों तकलीफ हो रही है? 370 पे स्टेटस को मेंटेन करेगा बीजेपी वालों ने कहा, बिल्कुल सही है,
पाकिस्तान के साथ डायलॉग होगा, बीजेपी वालों ने कहा सही है, सेपरेटिस्ट के साथ बात होगी, उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, सिविलियन एरियाज जहां सिचुएशन ठीक होगी वहां से फौज को बाहर निकाला जाएगा, बीजेपी वालों ने एजेंडा ऑफ अलायंस में सब कुछ एग्री किया है। तो जो बातें उन्होंने हमारे साथ एग्री किए, तो आज उनको वो ताज्जुब क्यों लगती है जिसके ऊपर सरकार बनी हमारी? मैम, हुर्रियत हुर्रियत की जो सिक्योरिटी उठा ली गई थी उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए बहरहाल, महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया होगी, ये देखना अभी बाकी है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।